आज हम बनाएंगे अरबी की बिल्कुल नए तरीके की सब्जी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है, जिसके लिए मैंने आधा किलो अरबी लिए। अरबी जब हम बाजार से खरीदने जाएं तो हमें इस तरह की गोल अरबी खरीदनी है, इस तरह की अरबी हमें नहीं खरीदनी है, क्योंकि ये गलने में बहुत दिक्कत करती है। आप इसको कितना भी पका लो ये गलती नहीं है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए उबाल लिया है। उबालने के बाद इसको हम छील लेंगे। ये देखिए सारी अरबी को मैंने छील लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। अभी मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है। तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें डालेंगे हम अरबी और अरबी को हमें फ्राई करना है। अरबी हमारी फ्राई हो गई, इनको हम बाहर निकालेंगे। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच नमक, साथ में ही डालेंगे आधा कटोरी दही और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 5 से 7 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, जब तक हमारा मसाला बन करके तैयार होता है। बस इतने ही हमें इसे रखना है। बचे हुए तेल में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए इसमें डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा हींग। अरबी में अजवाइन और हींग डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अरबी में बादी होती है और हींग और अजवाइन डालने से उसकी बादी कम हो जाती है। हमें गैस की दिक्कत भी नहीं होती है। अजवाइन और हींग हमारी अच्छे से भुन जाए तो इसमें डालेंगे प्याज। एक बड़े प्याज को मैंने रफली चॉप किया था। साथ में डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची और अदरक लहसुन जिसको मैंने बारीक कट कर लिया। प्याज को हमें ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इसमें डालेंगे 1 टमाटर का पेस्ट। टमाटर को भूनते हुए 1 मिनट का समय हो गया। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि हमने अरबी में भी नमक डाला है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए काफी अच्छे से हमें इसे पकाना है। अगर आपने पहले कभी इस तरीके से सब्जी नहीं बनाई है तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आपको ये बहुत पसंद आएगी। आपको फिर इसी तरीके की बनी हुई सब्जी ही पसंद आएगी। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे अरबी। गैस की फ्लेम को लो रखें और 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से चलाएं, जिससे कि हमारा दही फटेगा नहीं और दही का काफी अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। मैं सब्जी में तेल और मसाले का इस्तेमाल थोड़ा कम करती हूँ। अगर आपको मसाले ज्यादा पसंद है या तेल थोड़ा ज्यादा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। अरबी को चलाते हुए हमें 2 मिनट का समय हो गया। बाउल में जो हमारा थोड़ा सा मसाला बचा था, आधा कप पानी डाला है और उसको हम अरबी में डालेंगे। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। अरबी को पकते हुए 5 मिनट का समय हो गया। एक बार हम चेक करेंगे। देखिए अरबी हमारी अच्छे से बन करके तैयार है। इसने तेल छोड़ दिया है अपना। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के रख दें, जिससे कि कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है वो अच्छे से सब्जी में अब्जॉर्ब हो जाए। सब्जी को रखे 2 मिनट का समय हो गया। इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए बिल्कुल नई और मजेदार सी अरबी हमारी बन करके तैयार है। मैंने इनको पूरी के साथ सर्व किया। आप इनको पूरी, पराठा, चपाती किसी के साथ भी सर्व करिए, ये बहुत अच्छी लगती है। वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।